हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो सीटेट एग्जाम है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से रिलेटेड जो पुराने साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो उनसे बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि हो सकता है फिर रिपीट हो जाए या एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हो जाए, इसलिए हम लोग वो सारे क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर रिव्यू करेंगे। अच्छा, हमारी प्राइमरी अप्रोच होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये कि मान लीजिए कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, फिर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम लोग इलिमिनेशन की टेक्निक को यूज़ करेंगे कि किस तरीके से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को अगर हम इलिमिनेट करें, दो को करें, तीन को करें, तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इस टेक्निक को एलिमिनेशन टेक्निक का ज़्यादातर हम प्रयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपने पढ़ा नहीं है फिर भी सही आंसर को किस तरीके से निकाला जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कथन है, डेवलपमेंट क्या है, एक कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है। ये किस आइडिया से जुड़ा हुआ है, किस आइडिया से एसोसिएटेड है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। अब देखिए, डेवलपमेंट कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है का क्या मतलब हुआ? जब कोई चीज कभी खत्म नहीं होती है तो यानी कि क्या, वो निरंतर चलती रहती है, यानी कि वो कंटिन्यूअस है, वो रुक नहीं रही है। तो हमको एक वर्ड को खोजना है कि कंटिन्यूअस क्या है। ऑप्शन में कोई कहीं आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस वर्ड लिखा हुआ है, या आप देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी लिखा हुआ है, हमारा ऑप्शन हो गया दो। कुछ नहीं पढ़ा, कोई थ्योरी नहीं पढ़ा, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन से ही हम आंसर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलपमेंट कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसका ऑप्शन क्या होगा? निरंतरता। निरंतरता को आप देखिए, निरंतरता को आप पकड़ लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू द चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ द पीयर ग्रुप। ये चार स्टेज दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें अपने साथियों का, अपने साथ का बालावस्था में या जो है युवावस्था में, कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम अपने साथियों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सदस्य मानते हैं, सक्रिय सदस्य मानते हैं। सदस्यता की बात आ रही, सदस्यता की बात है। आप अपने बचपने को याद कीजिए, आप अपने स्कूल के किस टाइम के किस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा टीम मेंबर का काम करते थे, कौन सा? जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, दो साल का बच्चा क्रिकेट खेलेगा सब लोग के साथ लेके? नहीं खेलेगा। छः साल का बच्चा है, बहुत ज़्यादा टीम मेंबर में बात करेगा? नहीं करेगा, वो घरों में रहेगा ज़्यादातर। हम कौन से स्टेज में ज़्यादातर एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे? हम लोग एडोलेसेंस का जो अवस्था है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अपने साथ वालों को साथ में लेके चलेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इन्फेंट 0 से 2, चाइल्डहुड 2 से 12, एडोलेसेंस 12 से 18, और 18 के बाद जो है बच्चा हो जाता है एडल्ट। 18 से बाद हो जाता है बच्चा, क्या हो जाता है? एडल्ट। यानी कि ये 18 प्लस है, ये 12 से 18 है, ये क्या है 2 से 6 है, और ये है 6 से 12, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम 12 से 18 साल का जो बच्चा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पीयर ग्रुप में साथ रहता है। इसीलिए बस सिर्फ आपको एक चीज़ जानना जरूरी था कि इन्फेंट किसको कहते हैं, चाइल्डहुड किसको कहते हैं, एडल्टहुड किसको कहते हैं, और एडोलसेंस किसको कहते हैं। हमारा आंसर साफ साफ पता चल जाता कि किशोरावस्था में हम लोग बहुत ज़्यादा दोस्त यार इन सब चीज़ को लेके चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, मानव विकास अलग अलग डोमेन में बांटे गए हैं। कौन कौन से डोमेन है? अब देखिए, थोड़ा हम लोग इलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं इसमें, और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं डोमेन्स में, मानव विकास को डोमेन में कैसे बांटेंगे। जाहिर सी बात है, स्पिरिचुअलिज्म को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मानव विकास से स्पिरिचुअलिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। स्पिरिचुअलिज्म आप कहीं भी देखिए, स्पिरिचुअलिज्म के ऑप्शन को आप काट दीजिए, ठीक है। बचता क्या है? ऑप्शन दो ऑप्शन चार में आप देखिएगा, फिजिकल सेम, कॉग्निटिव सेम, इमोशनल सेम। दो पॉइंट के ऊपर मामला फंस गया, सोशल और साइकोलॉजिकल। मानव विकास अपने अंदर, साइकोलॉजी क्या होता है? अंदर की समझ। आप ढेर सारे यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे जिसमें होता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, अपने खुद को ग्रो करना है तो क्या, साइकोलॉजी को डेवलपमेंट कीजिए। जाहिर सी बात है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। आप बिना पढ़े, कोई जरूरत नहीं थ्योरी याद करने की, आप क्वेश्चन को देखिए, आप आंसर खुद ब खुद निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस। एडोलेसेंस की जब हम लोग ने बात की, एडोलेसेंस कब से कब तक होता है? 12 से 18 साल। 12 से 18 साल का बच्चा क्या एक्सपीरियंस करता है, किशोर क्या अनुभव करता है? किशोर में बहुत ज़्यादा क्या होता है, किशोर में जो है 12 से 18 साल का बच्चा क्या महसूस करता है? बहुत ज़्यादा वो अपने बारे में चिंता रहता है कि क्या करेंगे आगे, कैसे बढ़ेंगे आगे, क्या करना है, करियर बनाना है, साइंस लेना है, मैथ लेना है, बायो लेना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सीधी सी बात है, आप बस चारों ऑप्शन को पढ़िए, आपको चौथा ऑप्शन खुद ब खुद सबसे
पास और सबसे सही लगने लगेगा. एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, खुद के बारे में जो एंजाइटी होती है ना वो सबसे ज्यादा रहती है. कौन सी अवस्था में? एडोलसेंस. इसमें सिर्फ आपको एक चीज जानने की जरूरत है इस क्वेश्चन में कि एडोलसेंस कहते किसको है. एडोलसेंस कौन सी अवस्था को कहा जाता है? 12 से 18 साल के बच्चे को एडोलसेंट कहते हैं, 18 से ऊपर एडल्ट कहते हैं, 0 से 2 को इन्फेंट कहते हैं. इसी तरीके से देखिए, हम मैं याद कराता चलूंगा साथ ही साथ में वीडियो में, कुछ नहीं जरूरत है, कोई कॉपी कोई किताब की जरूरत नहीं है, साथ साथ आप वीडियो देखते जाओ, आपका सीटेट का ये चैप्टर तैयार होता जाएगा. इन्फेंट किसको कहते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, इन्फेंट कहते हैं 0 से 2, उसके बाद चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, लेट चाइल्डहुड 6 से 12, उसके बाद एडोलसेंट 12 से 18, उसके बाद एडल्ट हो जाता है बच्चा. अगला क्वेश्चन, विच इज द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट. हम लैंग्वेज को किस तरीके से डेवलप करते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो गलत है, जो सही नहीं है. तो क्या है, पहला क्या है, लेटिंग द चाइल्ड अनइंटरप्टेडली ऑन द टॉपिक. बच्चे को बिना उस बात पे निर्बंध रूप से बोलने देने चाहिए. जाहिर सी बात, हम लोग कहते हैं अगर बच्चे को इंग्लिश सिखाना तो इंग्लिश बोलने दो पहले, तो यानी कि ये तो गलत तरीका नहीं हो सकता, ये सही तरीका है. डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज. बच्चे को ये बोलो कि आप अपनी खुद की लैंग्वेज को भूल जाओ और अंग्रेजी में बात करो सिर्फ, वो तो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाएगा. आप बच्चे को ये बोलो कि बेटा आज से तुमको सिर्फ इंग्लिश बोलना है, तुमको हिंदी बोलना ही नहीं है, अगर तुमको इंग्लिश सीखना है तो तुम अपनी लैंग्वेज भूल जाओ. अगर सीधी सी बात है, आप कहिए सेब है, अब सेब बच्चा जान रहा है सेब है, आप एप्पल का नाम लेने लगिए, एप्पल समझ ही नहीं पाएगा वो जब तक वो सेब को दिमाग में अपने बैठाएगा नहीं. तो जाहिर सी बात है, डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, अगर वो अपनी भाषा को अस्वीकृत कर देगा, अपनी भाषा को ये कहेगा कि हमको बोलना ही नहीं है, तो नई भाषा को नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है, ट्रांसलेशन चलता रहता है हमारे दिमाग में. आप कोई भी इंग्लिश का वाक्य सीखते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, इंग्लिश के वाक्य को हम दिमाग में ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, उसके बाद उसको समझते हैं. ठीक है, ऐसा ही तो होता है. हम कोई थॉट आती है, आप रात में सपना देखते हो, अंग्रेजी में सपना नहीं देखते हो, हिंदी में सपना देखते हो, हिंदी में सपना देखते हो, फिर उसको ट्रांसलेट करते हो. अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलेंगे. कोई भी नई भाषा को समझने के लिए अपनी भाषा को स्वीकार करना और समझना बहुत जरूरी है. यानी कि अगर इनकरेक्ट में क्या है, कोई ये बोलने लगे कि भाई अपनी भाषा को भूल जाओ, इसमें कोई थ्योरी की जरूरत है, कोई चैप्टर, कोई नई इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है. अगर आप इस चैप्टर का मेरा वीडियो देखेंगे जो डिटेल्ड थ्योरेटिकल वीडियो है, उसमें पहली लाइन मैंने बता रखी है, डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस. डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, तो सीधे सीधे ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2. विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोल एंड बिहेवियर विच आर एक्सेप्टेबल इन द ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड. अब देखिए, अर्ली चाइल्डहुड की बात आ रही है. अब जैसे मैंने बताया, इन्फेंट कब से है, 0 से 2, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, लेट चाइल्डहुड 6 से 12, एडोलसेंट 12 से 18, एडल्ट कौन है 18 से ऊपर. याद करते चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है इस चैप्टर का. इसके अलावा कोई किसी और नई इन्फॉर्मेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. तो हम किस एज की बात कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6. 2 से 6 में कौन कौन साथ रहता है आपके, ज्यादातर 2 से 6 की उम्र के बच्चे के साथ में 2 लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, आपके माता पिता और आपके भाई बहन. माता पिता और भाई बहन का रोल सबसे ज्यादा होता है. इसमें किसी भी चीज की, किसी भी थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ी हमको, हमने बिना क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ा और आंसर सिर्फ सॉल्यूशन देख के, कोई ऑप्शन देख के निकाल लिया, कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोल एंड बिहेवियर एक्सेप्टेबल इन द ग्रुप. हमारे कौन से ऐसे रोल्स हैं, कौन से ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जो हमको बताते हैं कि अच्छे काम करना है, हमारे माता पिता सिखाते हैं और हमारे भाई बहन सिखाते हैं, तो इसमें किसी की जरूरत नहीं है. टीचर तो भाई 6 के बाद आएगा ना, टीचर को तो आप ऐसे काट दो, टीचर के ऑप्शन को देखो, टीचर को काट दो. पीयर ग्रुप क्या, जो लोग साथ काम कर रहे हैं, तो बच्चा है साथ काम करने वाला कौन होगा, कोई होगा नहीं. तीसरा ऑप्शन ऐसे कट गया, चौथा ऑप्शन अपना निकल के सामने आ गया. आठवां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी. लेटर चाइल्डहुड की कैटेगरी में क्या आता है, धीरे देखिए, बार बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ. लेटर चाइल्डहुड किसको कहेंगे, लेटर चाइल्डहुड कहेंगे 6 से 11 की उम्र के बच्चों को लेटर चाइल्डहुड कहेंगे. ये लोग लेटर चाइल्डहुड की कैटेगरी में आते हैं. द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ, इन्फेंसी क्या हुआ, 0 से 2, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, एडल्टहुड 18 से ऊपर और एडोलसेंस 12 से 18. इन्फेंसी क्या है, बर्थ से 2, नवजात शिशु, शैशवावस्था, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो कौन सी अवस्था है, 0 से 2 साल, 0 से 3 साल कुछ होता ही नहीं है, कोई माने ही नहीं है. इन द मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर, अपने बाल अवस्था के मध्य में स्पीच इज मोर
अभी यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, अब यहाँ पे हम लोग रख रख के देखते हैं अलग अलग चीज़ों को। मैच्योर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि चाइल्डहुड की बात आ रही है, तो तीसरा ऑप्शन पहले ही कट गया, ठीक है। एनिमिस्टिक, एनिमिस्टिक यानी कि बिल्कुल बहुत जो छोटा बच्चा है जो बिल्कुल उल्टी सीधी हरकत करता है, बिल्कुल जाहिल झपट वाली हरकत करता है, उसको कुछ नहीं पता है, हाथ पैर इधर उधर मारता है, तो लेकिन हम लोग वो कौन सी अवस्था है, अर्ली चाइल्डहुड है या इन्फेंट है? इन्फेंट है 0 से 2 और अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6, तो यानी कि लेकिन हम बात करें मिडिल चाइल्डहुड की, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट गया। तो क्या मामला क्या है, दो ऑप्शन में फंसा हुआ है। पहला क्या होगा, मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा क्या होता है, समाज को देख के ज़्यादा सीखता है, ना कि ये कहता है कि मैं ये सोचता हूँ। मैं सोचने वाली बात कब आएगी, एडल्ट में आती है। एडल्ट ईगो का मतलब क्या हुआ, मैं कब सीखेगा, मैं तो एडल्ट में जाके सीखेगा ना। ईगो तो पहले, ईगो बचपन में कहां से आ जाता है, ईगो तो बाद में आता है। तो बच्चा क्या सीखेगा, पहले सामाजिक बातों को सीखेगा। तो ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन कट गया, ईगो सेंट्रिक पहले आया, सोशलिस्ट ये वाला ऑप्शन ही सही माना जाएगा इसमें। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज, देखिए विकास की जो दर है, विकास की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। कोई आदमी जल्दी सीखता है, कोई आदमी देर में सीखता है, लेकिन इट फॉलो, ये क्या होता है, लेकिन ये एक ऑर्डरली पैटर्न है, सिक्वेंशियल है। ये जैसे वीडियो में, अगर आप थ्योरी वाले वीडियो में मेरे देखिएगा, तो डेवलपमेंट की परिभाषा में मैंने सीधे बताया कि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है और ऑर्डरली है। ऑर्डरली का मतलब क्या होगा, ऑर्डर मतलब कि एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता है, एक व्यवस्थित तरीके से बढ़ता है, एक अनुक्रमित तरीके से बढ़ता है। तो यानी कि डेवलपमेंट हफादार नहीं हो सकता, डेवलपमेंट बेतरतीब नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि बच्चा गाना पहले सीख जाए और बोलना बाद में सीखे? नॉट पॉसिबल। डेवलपमेंट बेतरतीब नहीं होता, बच्चा क्या होगा, पहले बोलना सीखेगा उसके बाद गाना सीखेगा। तो डेवलपमेंट क्या है, सिक्वेंशियल है और ऑर्डरली है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा ऐसा डेवलपमेंट है जो सही डेवलपमेंट है। क्या क्या ऑप्शन है, द डेवलपमेंट बिगिन एंड एंड एट द बर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेवलपमेंट, शुरुआत है और जन्म पर समाप्त हो जाता है। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, सोशल और कल्चरल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में। डेवलपमेंट इज यूनिडाइमेंशनल प्रोसेस, डेवलपमेंट यूनिडाइमेंशनल हो सकता है, डेवलपमेंट यूनिडाइमेंशनल नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट डिस्क्रीट हो सकता है, डेवलपमेंट डिस्क्रीट नहीं हो सकता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, पृथक। ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी का सिर्फ हार्ट डेवलप कर जाए, पैर डेवलप नहीं कर रहा है, मुंह नहीं डेवलप कर रहा है, वो तो डेवलपमेंट नहीं, वो तो कोई बीमारी के टाइप की चीज हो गई ना। तो इसमें क्या करेंगे हम कि डेवलपमेंट कौन सा है, पहला ये डेवलपमेंट इज बिगिन एंड एंड एट द बर्थ, सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डेवलपमेंट बढ़ता है। अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड इज अ पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड कौन सा पीरियड है, अर्ली चाइल्डहुड एक महत्वपूर्ण पीरियड है। अर्ली चाइल्डहुड कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है, एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है। कोई भी बच्चा है वो शुरुआत में ही कोई भी चीज़ों को सीखेगा, देखेगा, तो वो सीखने की कोशिश करेगा। अर्ली चाइल्डहुड बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है, कोई भी चीज़ को सीखने का एक संवेदनशील पीरियड है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो ये रहा, टोटल 13 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं और 13वें चैप्टर को हम लोग, 13वें क्वेश्चन को हम लोग ने डिस्कस किया। देखिए इसमें मेन पार्ट हम लोग ने क्या किया, इसमें हम लोग ने सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। बाकी कोई चैप्टर, कोई थ्योरी, कोई सी वीडियो को देखने की आप अपने मन की शांति के लिए देख सकते हैं कि हमको लगे कि हम पढ़ के गए, सो डैट यू बिकम कॉन्फिडेंट वेन यू गो एंड राइट अ सीटेट एग्जामिनेशन। लेकिन सीटेट का एग्जामिनेशन क्या कहता है कि आप टीचर बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो यानी कि आप अपनी बुद्धि को खोलो। आप अपनी बुद्धि को खोलोगे तभी आप बच्चे की बुद्धि को खोल पाओगे। बच्चे अपने बुद्धि को कैसे खोलोगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आप उसको पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, आप उसको देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है और आपको लगे अरे तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है नहीं पढ़ाओ, लेकिन हमारी अच्छी खासी उम्र बीती है, हमने बहुत ढेर सारी किताबें पढ़ के हम सीटेट का एग्जाम लिख रहे हैं, तो हमारे पास पहले से एक बहुत ज़्यादा नॉलेज का बेस है पहले से। तो उसको खंगालिए, उसको खंगालिएगा, उसको उसमें अगर आप गहरे डिपकू मारिएगा, और एलिमिनेशन के तरीके को हमेशा इस्तेमाल करिए कि अगर आप कोई ना कोई एलिमिनेट कर पा रहे हैं कोई भी ऑप्शन को, तो यानी कि आपके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो यानी कि आपके सही होने की पॉसिबिलिटी 33% हो गई। अगर आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, बेसिक मैथ है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वो हम लोग मैथ के जब कवर करेंगे लेक्चर तब डिसाइड करेंगे, तब देखेंगे इसको। अगर आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया, आपके सही होने की चांसेस 50% है,
आपके सही होने के चांसेस 50% है। अगर आपने 3 को एलिमिनेट कर दिया तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन सही होना ही होना निश्चित है। तो ये रहे हमारे 13 क्वेश्चन जो आए हैं पहले प्रीवियस ईयर में, और बाकी के चैप्टर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।